नमस्कार जी। नमस्कार जी। बड़े दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद। बहुत बिजी रहते हैं आप। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। देखें, कान से के सब तरफ से सुनना पड़ता है, बच्चों से भी सुनना पड़ता है, मम्मी से भी सुनना पड़ता है, बहुत बिजी रहते हैं। और आपको लगता है कितना टाइम रहता है मेरे पास में। अच्छा, गोभी शलगम और गाजर का अचार, तो ये जो अचार है इसको शुरू कर लिया जाए पहले और फिर थोड़े गप्पे मारेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? ये मसाले पहले भूनेंगे। ओके, मसाले भूनने हैं। अच्छा, जीरा आ गया और ये मसाले भून के ये अचार के लिए। अचार के लिए जी। ओके, और चम्मच अगर चाहिए तो चम्मच भी है। वैसे चम्मच चम्मच का काम पहले नहीं हुआ करता था, पहले नापना तोलना सब हाथ से ही। हाथ में ज्यादा प्यार होता है। हाथ में ज्यादा प्यार होता है। तो लौंग और इलायची और ये जितनी चीजें ना अंदाजे वाली, ये कमाल की होती है। और ये दालचीनी भूनने के लिए। ये अच्छा, यहाँ पर ये कुछ गुड़ भी पड़ा हुआ है और ये विनेगर, विनेगर जो है सिरका। हाँ जी। ओके, तो ये इसके अंदर डाला जाता है। हाँ जी। ये तो ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा नहीं ज्यादा है, कम कम डालें। बता देना जी तुमने। ठीक है जी। हाँ, कब ठीक है। ठीक है, चलो जी। गुड़, गुड़ के अंदर विनेगर। अच्छा, ये खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है जीरे की। हाँ जी। अच्छा, ये मसाला, ये मसाला पीस के रखा है ये हमने। अच्छा, ये पीस के, ये वाला जो है ये यही है। ओके ओके ओके, तो ये मतलब एक तरह से गरम मसाला हो गया। हाँ, गरम मसाला। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है मोटी इलायची की। हाँ 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 हाँ, वाकई सबसे ज्यादा इसमें खुशबू मोटी इलायची की आ रही है, तो उसके बाद में जीरे की। चलो जी, ये बंद हो गया। ओके, तो ये जो है इसको ठंडा करके पीस लेना है। तो ये जो मसाला है ये हमने ये पीस के यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, ये इसके लिए अचार के लिए मसाले। तो ये पैन ले लिया। क्या है जी? सरसों का तेल। सरसों का तेल। अच्छा, ये जो रेसिपी है। हाँ जी। हमने तो आपसे सीखी, सारे लोग आपसे सीख रहे हैं, आपने किससे सीखी? हमने अपनी मम्मी से सीखी। अपने मम्मी से सीखी? मेरी नानी से सीखी। हाँ जी। अच्छा, ये क्या है जी? अदरक। ग्रेटेड अदरक। वाह, डिलीशियस, मजेदार। इसमें मजा ही अदरक और लहसुन का है। थोड़ा स्लो कर लो। थोड़ा स्लो, अब इससे स्लो तो ये होगा ही नहीं। ओके, ये क्या? ये लहसुन। लहसुन, गार्लिक। हाँ जी, गार्लिक। कैसा लगता है गार्लिक आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, खाती नहीं पर। खाते नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, गार्लिक नहीं खाते। तो प्योर वेजिटेरियन है, गार्लिक नहीं खाते, पर इसके अंदर देखिए आपके लिए डालने मुझे अच्छा लगता है, इसलिए डल रहा है ये। अच्छा जी, इसमें ना आजकल जो है गार्लिक, जिंजर, ये पेस्ट वगैरह भी आ गई है, वो जिंजर गार्लिक की पेस्ट। ये एक पैकेट थोड़ा सा दें। हाँ जी, मैं इसमें से ये जिंजर गार्लिक, अगर इसको इतनी मेहनत नहीं करनी तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बाजार वाला, लेकिन फ्रेश की बात। फ्रेश है। हाँ। इसके अंदर ये लीजिए, ये हो गया जी? हो गया जी। ओके, तो लाल हो गया रंग, ठीक ठाक आ गया इसका। ये रंग इसका जरा देख लें कैसा है। भुन गया। भुन गया, भुन गया। तो आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। चलो जी, गुड़ डाल देते हैं। गुड़ और सिरका, गुड़ में भिगो के रखा हुआ। ओके, तो ये गुड़ और सिरका, ये लो जी। गुड़ तो पिघल ही जाएगा और जैसे जैसे पकेगा तो इसका रंग जो है वो थोड़ा सा और रंग उनसे आएगा। हाँ, रंग तो उससे ही आएगा, सही बात है। तो मसाले डाल दो जी। सब डालेंगे जी इकट्ठे इकट्ठे। तो ये तो आप, आपकी दुकान है तो आप डालो। चलो जी, राइस के अंदर गरम मसाला जो भून के डाला था, नमक और लाल मिर्च, ये सारे मसाले आ गए इसके अंदर। वाह, मसाला तो बढ़िया दिख रहा है अब। ये रंग तो अच्छा आ गया इसका, चोखा आ गया। रंग हींग लगे ना फिट गिरी, रंग फिर भी चोखा। अच्छा, ये मसाला हो गया। अब ये सब्जियाँ सारी डाल दी जाएँ इसके अंदर। तो ये
थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डालते जाएं इसके अंदर। ये लो जी गाजर, गोभी, शलगम। पकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मिलाना ज़रूर। हाँ मिलाना ज़रूरी, कच्चा ही अच्छा। कच्चा ही? हाँ, पर ये अचार जो है ये तो पकने में तो टाइम लगता है ना। नहीं कोई टाइम नहीं लगता, इतना दो चार दिन में पक। हाँ दो चार दिन में तो इसको ठीक है बहुत। अब ये ठंडा करके डलेगा जी, गर्म नहीं डलेगा। गर्म नहीं डलेगा, और फिर क्या करना है? इसको रखने के बाद इसके अंदर रख दिया फिर? बस पड़ा रहे ऐसे, दो तीन दिन बाद खा लो। धूप धूप में कोई रखने की जरूरत नहीं है? कुछ नहीं, नहीं, नहीं। बस पड़ा रहे, मैच्योर होगा भाई। ये जो रेसिपी है बड़ी प्यारी सी रेसिपी है, और इतनी अच्छी रेसिपी है क्योंकि होनी ही चाहिए। वो कहते हैं ना माँ के हाथ का प्यार। Food, food, it's sizzling.